हेलो। तो आज जो चैप्टर करवा रहा हूँ वो है फंक्शन। और फंक्शन का मैंने जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक था रिलेशन, उस रिलेशन क्या होता है, सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, ये सब मैंने वहां पर बता रखा है। नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, ये सब मैंने वहां पर जिक्र कर लिया। आज हम पढ़ेंगे कि फंक्शन किसको बोलते हैं और लॉगरिदम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं और उनके कुछ सवाल करेंगे, ठीक है। और तो ये अपना लेक्चर उसके बेस पर रहेगा। और आपको डीपीपीज जो है वो चैप्टर एंड के समय मिलती रहेंगी, बीच बीच में भी मिलती रहेंगी। और क्वेश्चंस नो डाउट आपको खुद ही फील हो जाएगा कि क्वेश्चंस किस लेवल के हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन चैप्टर, ठीक है। तो फंक्शन, एक सबसे पहला बात ये कि फंक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेशन, एक रिलेशन का टाइप है, ठीक है। पर इसकी कुछ शर्तें हैं, मतलब ये रिलेशन तो है पर इसकी क्या क्या शर्तें हैं वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है जिसमें 1 2 3 है, ठीक है, और एक सेट है जिसमें 4 5 और आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक -1 भी रख रहा हूँ मैं, यहाँ पर 1 है, इसमें -2 भी रख रहा हूँ और इसमें है अपना 4। 4 तो है, चलो ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया, ए ये रहा, बी ये रहा, ठीक है। तो फंक्शन एक रिलेशन है जो एक सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कैसे बना हुआ पता आपको, 1,4, 1,5, 1,1, इसी प्रकार -1,4 ऐसा। मान लीजिए मैंने एक रिलेशन दिया, एक रिलेशन है उसमें ऐसा है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ऐसा रिलेशन है। मतलब ये कि 1 का स्क्वायर तो 1 इसमें है, फिर अच्छा 2 का स्क्वायर तो 4 आंसर आ रहा है ना। मतलब ऐसा रिलेशन लिखा हुआ है, 1,1 फिर है ना 1,5, ऐसा बहुत सारे रिलेशन लिखे हुए हैं पेयर। उसमें से वो पेयर ढूंढ रहा हूँ जिसमें इनपुट इनपुट कहाँ से हो, ए में से हो, आउटपुट कहाँ से हो, बी में से हो, और इनपुट कैसा होना चाहिए स्क्वायर, और वाई कैसा होना चाहिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इनपुट का स्क्वायर होना चाहिए सीधा 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, चलो ठीक है इसमें 9 रख देते हैं, 9 आ रहा है सर, ठीक है। और मान लीजिए यहाँ पर 9 नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 9 नहीं होता तो क्या 3 का आंसर आ पाया, नहीं आ पाया। आपको आप तो कहाँ से ढूंढेंगे, आपने 3 रखा तो आपको जवाब क्या मिला, 3 पर 4 मिलेगा, 3 पर 5 मिलेगा, पर 3 पर 9 नहीं मिलेगा। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन कहलाया जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि फंक्शन की पहली बात ये सुनिए कि जो भी आप रख रहे हैं इनपुट में, जो भी आप इनपुट में रख रहे हैं उसका आउटपुट होना चाहिए, मतलब उसी के करस्पॉन्डिंग वैल्यू बी में होनी चाहिए, समझ गए। चलिए अब इसको बहुत आसान भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए सिंपल 2 सेट है, सबसे पहली बात फंक्शन कैसा है, ए को बी से कनेक्ट कर रहा है, ए ए में कितने एलिमेंट हैं, जितने होने चाहिए वो मान लीजिए एफ ए टू बी है। अच्छा, ए को हम लोग बोलते हैं डोमेन, बी को बोलते हैं को डोमेन, ए को डोमेन बोलेंगे, बी को बोलेंगे को डोमेन, ठीक है। और रेंज क्या होता है वो बाद में समझाऊंगा, पहले समझते कि फंक्शन की बातें क्या क्या है, शर्तें क्या क्या है फंक्शन, एक रिलेशन को फंक्शन होने के लिए। तो सबसे पहली शर्त ये है कि जैसे मान लीजिए ए बी सी डी है, इसमें 4 एलिमेंट है ई एफ जी, तो हर एक एलिमेंट का आंसर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आंसर मिले ही ना कुछ रखने पर। मतलब डी का आंसर, डी मान लीजिए यहाँ पर डी छूट गया, डी का आंसर ही नहीं है,
जैसे इस केस में हुआ था ना, 3 का स्क्वायर आपको 9 इसमें से मिला ही नहीं, तो उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। मतलब ईच, मैं लिख रहा हूं, ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए या वी कैन से फ्रॉम डोमेन मस्ट हैव इमेज इन बी। इमेज, उसका इमेज होना चाहिए, उसका आंसर होना चाहिए सेट बी में। तो यहां पर अंडरलाइन कर दीजिए ईच लाइन पर, ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम द सेट ए मस्ट हैव इमेज इन द कोडोमेन। देखो क्या बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ऐसा ना हो कि जैसे मान लीजिए इसी में मैं ऐसा कर दूं, दे रहा हूं मैं, से वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये वाला मान लीजिए हो गया, ठीक है। तो जैसे आपने एक रिलेशन दिखा रहा हूँ, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, एक्स कहाँ से, ए में से है, और वाई कहाँ से, बी में से, ठीक है। तो आपने इसमें 1 रखा, तो 1 और -1 आपको क्या मिलेगा, किसका, y 1 का भी स्क्वायर 1 होता है और -1 का भी स्क्वायर 1 होता है, तो 1 पे 2 आंसर आ रहे हैं ना। अरे समझ में आया, आप अगर 1 रखोगे तो 1 पे 1 भी आ रहा है और 1 पे -1 भी आ रहा है, क्योंकि इसका स्क्वायर कितना है, 1 होता है, इसका स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। देखिए, तो क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि जब आपको कोई पूछे कि इसका आंसर क्या है, कोई सिंपल सवाल पूछे, तो आप एक समय पर एक ही आंसर देते कि 2 आंसर देते हैं, हाँ या ना, हाँ भी देंगे ना भी देंगे कि एक देंगे, हाँ या ना, एक ही आंसर देंगे। तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है, मतलब ये कि अगर आप कुछ इनपुट रख रहे हैं तो उसका उस समय एक ही जवाब होना चाहिए, इट शुड हैव अ यूनिक आंसर। यूनिक बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि एट द सेम टाइम इट हैज नॉट मोर देन 1 वैल्यू, ठीक है, या उसका उसका आंसर होना चाहिए, एक से ज्यादा आंसर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात आता है कि ईच एलिमेंट ऑफ इन द सेट ए मस्ट हैव इमेज ओनली 1, नॉट मोर देन 1, ठीक है, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। बात समझ आ गई, तो 2 शर्तें सिंपल सी है, पहली हर एक एलिमेंट जो डोमेन में है वो कनेक्टेड होना चाहिए, और दूसरा एक समय पर एक जवाब मिले, ठीक है। हाँ, क्या सर ये पॉसिबल है, जैसे 1 का 1 है, 1 का 1 है और 2 का भी 1 आ जाए, हाँ चलेगा। 2 लड़के हैं, दोनों से सवाल पूछा मैंने कि, तो एक सवाल पूछा मैंने, दोनों का आंसर यस हो सकता है, पर किसी एक का आंसर एक समय पर 2 नहीं होना चाहिए। आप डिफरेंस समझ में आ गई बातों का, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 2 लोग हैं, दोनों ने आंसर बोला यस यस चलेगा, दोनों ने बोला कि आंसर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी एक का एक से ज्यादा आंसर नहीं होना चाहिए, समझा गया। तो फंक्शन में 2 सिंपल बात नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं सर डोमेन क्या होता है। डोमेन जहां से आप वैल्यू पिक करेंगे, इसको मैं अपने भाषा में बोलूंगा इनपुट। अब डोमेन के सवाल ऐसे होते हैं कि आपको वो डोमेन, वो इनपुट ढूंढना पड़ेगा जहां पर आपको जवाब मिले, ऐसा इनपुट ना होना चाहिए, ऐसा इनपुट नहीं होना चाहिए जहां पर आपको इमेज ही ना मिल रहा हो। तो डोमेन में हमें यही चर्चा करनी है कि किसको हमें रखना है, किसको हटाना है, और सभी टाइप्स ऑफ फंक्शंस की अलग अलग डोमेन होंगी, ठीक है। तो उस हिसाब से हम टाइप्स ऑफ फंक्शंस आगे पढ़ेंगे। और दूसरी बात, कोडोमेन में हमेशा जो आंसर मिलेगा वो कोडोमेन में ही मिलेगा, उसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, मान लीजिए एक सेट है, 1 2 3 है, सिंपल लेते हैं, और बी जो है कोडोमेन उसमें है 1 4 9 16 ऐसा, और एक फंक्शन है ए टू बी, और जिसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो है मतलब x2, वी कैन से वाई इक्वल टू x2, y जो है वो x का स्क्वायर होना चाहिए। कौन कौन से पेयर बनेंगे, x कहाँ से होना चाहिए, ऑब्वियसली a में से होना चाहिए, y कहाँ से होना चाहिए, b में से होना चाहिए,
आप ये देखिए, फंक्शन के अंदर जा क्या रहा है, तो फंक्शन के अंदर क्या जाएगा, डोमेन जाएगा, मतलब इवन जाएगा, और आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट मतलब उसी करिस्पॉन्डिंग पेयर क्या मिलेगा, एज पर द रिलेशन इट विल डिफाइंड इन द को डोमेन। ठीक है, तो आपने वन वन रखा, तो वन का आपको आंसर कितना मिल रहा है, वन का आंसर आपको मिल रहा है वन, टू कितना मिल रहा है, टू का आंसर फोर, कितना मिल रहा है, थ्री का आंसर नाइन, अच्छा 16 छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज जो है, रेंज जो आउटपुट है वो कभी भी बाहर नहीं जाना चाहिए को डोमेन के। भाई आप जवाब किस में से देंगे, आप सेट बी में से ही जवाब देंगे ना, करस्पॉन्डिंग के हिसाब से 16 के ऊपर जाएगा नहीं, तो यहाँ पर 149 क्या हो गया, रेंज हो गया, कितना आपको जवाब दे रहा है एज पर द कंडीशन, और कोडोमेन क्या हो गया, किसमें से दे रहा है, 14916 विल बी इन द कोडोमेन एंड व्हाट विल द रेंज, 149, इट ऑलवेज चेंज। भाई मैं अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूं कि भाई जो है वो 1 + x है, एग्जांपल बता रहा हूँ, तो डिपेंडिंग ऑन एक्स रेंज विल चेंज बट रेंज विल नॉट गो आउटसाइड द कोड डोमेन। भारत में जितने भी स्टेट है उसमें ही रहेंगे ना, आप जैसे गुजरात से महाराष्ट्र चले गए, पर आप हो तो इंडिया के अंदर ही ना, मुद्दा समझ आ गया। ठीक, तो अब आगे आते हैं अगले। हाँ ठीक है, तो फंक्शन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गया, कोड डोमेन समझ में आ गया। ठीक है, अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे, टाइप ऑफ फंक्शन पे, जिसमें सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे लॉगरिदम फंक्शन। अब मैं टॉपिक जो पढ़ाऊंगा वो उस हिसाब से पढ़ाऊंगा कि आपके पीवाईक्यूज एडवांस या आप कोई भी मॉड्यूल करते हैं, आपके 90% से ज्यादा सवाल हो जाए। तो लेक्चर में ऐसा लेक्चर नहीं अपलोड करूंगा मैं कि इसमें आपने सिर्फ थियोरेटिकल पार्ट सीखा है, आप सवाल कर रहे हैं आपसे नहीं हो रहा है, या आपके थिंकिंग कैपेबिलिटी उतनी नहीं ग्रो हुई जितनी होनी चाहिए, तो मेरे एक क्लास में आपका पूरा पेट भर जाएगा। ठीक है, तो लॉगरिदम फंक्शन आप पढ़ते हैं मेरे स्टाइल से, ध्यान सुनिए। लॉगरिदम फंक्शन पढ़ने से पहले, ये लॉगरिदम फंक्शन फेमस है, खासकर डोमेन इसके सवाल बहुत आते हैं। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा आज, पूरा लॉगरिदम पे कराऊंगा, आपका लॉगरिदम आज लेक्चर देखने के बाद एकदम तो फिट हो जाए तगड़ा। ठीक है, लॉगरिदम फंक्शन से पहले हम एक फंक्शन पढ़ते हैं साथ साथ में, जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, पहले समझते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। अब आपने कहीं से किसी और फैकल्टी से पढ़ा होगा एक्सपोनेंशियल, पर मेरे हिसाब से आप पढ़िए तो आपको सवाल करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले दिखता कैसा है। अब हर एक टाइप का एक रिलेशन है जिसको हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में बांट दिया है, तो ये दिखता कुछ ऐसा है, ए की पावर एक्स। अच्छा, यहाँ पर बेस इसको बोलते हैं ए, बेस यहाँ पर कौन है, ए। यहाँ पर इनपुट, इनपुट कहाँ से जा रहा है, जा रहा है एक्स, इनपुट यहाँ पर एक्स है, इनपुट को दूसरी भाषा में बोलते हैं पावर। ठीक है, तो पावर आपका क्या है, इनपुट है। ओके, अब बात करते हैं, तो यहां पर वाई क्या है, वाई है अपना आउटपुट, वाई अपना आउटपुट है, आप जो भी पावर देंगे जो करस्पॉन्डिंग में आपका आंसर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल वाई इक्वल टू 2 की पावर x है, आपने 1 रखा यहाँ पे तो आपको वाई कितना मिला, 2 मिला, आपने x2 रखा आपको आंसर कितना मिला, 4 मिला, तो किस पे डिपेंड है आंसर, पावर पे। बात समझ आ रही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले बेस के बारे में, बेस अगर पॉजिटिव रखा आपने एग्जाम्पल के तौर पे 2 की पावर x, तो आप कुछ भी रखेंगे एक्स में, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, जैसे 2 की पावर -1/2 रख दिया आपने, 2 की पावर 1/2 रख दिया, 2 की पावर √3 रख दिया, आपको हर बार जवाब कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। लिस्ट से लिस्ट अगर देखें तो आपको जवाब मन मिलेगा, पर 0 तो कभी नहीं मिलेगा। क्यों 0 नहीं मिलेगा, थोड़ा कॉमन सेंस अगर लगाओ तो ये 0 दे सकता है, कभी नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है, एक बेस पहले से पॉजिटिव है, तो
ये हमेशा 0 से बड़ा ही आएगा। तो कहने से इसका आंसर जो भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब आंसर आने का मतलब मेरे हिसाब से क्या हुआ, रेंज। इसका रेंज हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो सबसे पहले हमने बात सीखी रेंज क्या होगा इसका, पॉजिटिव। अच्छा अब ध्यान सुनना, अभी बेस चल रही बात मोर देन 0 की, ठीक है। तो रेंज कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ध्यान सुनना, बेस पॉजिटिव की बात कर रही है, यहाँ चल रही है। अच्छा बेस मैंने पॉजिटिव लिया है, पावर कुछ भी रखवा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब तक डोमेन कितना आया, आर। कोई भी रखो पावर में, इनपुट में, सब पर आपको आंसर मिलेगा। मेरे हिसाब से डोमेन का मतलब क्या होगा, सुन लीजिए, वो वैल्यू मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा जहां पर मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। क्योंकि फंक्शन का डेफिनेशन ही शुरुआत में क्या है, हर एक एलिमेंट जो डोमेन में आए उसका इमेज, उसका आंसर होना चाहिए। समझ में आ गया। तो यहाँ पर डोमेन कितना है, आर है, और आउटपुट हमेशा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा मान लीजिए सेकेंड केस, मान लीजिए ए नेगेटिव हो गया। देखिए जीवन में एक बात ध्यान सुनिएगा, जब भी जीवन में आपको लगे कि कोई मुझे परेशान कर रहा है, या मुझे उस चीज से घृणा हो रही है, मुझे दुख लग रहा है उस चीज, उस आदमी से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, आप उससे दूर चले जाइए या उसको ही लाइफ से भगा दीजिए। ये बात गांठ बांध दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता ही होगा। अब इसका रिलेशन इस टॉपिक से क्या है वो अभी आपको समझ आएगा। जैसे मान लीजिए ए नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो मैंने मान लीजिए बेस दे दिया -2 की पावर x, तो आप इसमें रखिए पावर 0 बनाएगा, आप इसमें रखे 2, 4 हो गया, इसमें -2 की पावर 3 रखिए -8 हो गया। पर एक ऐसा पावर दिखाता हूं जहां पर ये आपको आंसर नहीं दे पाएगा, वो है हाफ। कभी आपने रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देखा है? कहने का मतलब क्या किसी का स्क्वायर नेगेटिव होता है रियल दुनिया में? बिल्कुल नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा बेस रखूंगी क्यों जिसमें मुझे दिक्कत हो, जब मैं पावर हाफ 1/4 1/8 इस टाइप पे रखूंगी। इसलिए मैंने बेस नेगेटिव हटा ही दिया अपने जीवन से। भाई जहां मुझे लगे कि दिक्कत नजर आ रही है तो मैं उस बेस को रखूं क्यों, क्योंकि मैं अभी तक क्या मानने चल रहा हूं कि मेरा डोमेन आर है, तो वही चीज को मैं मेंटेन करते हुए मैं नेगेटिव बेस क्यों नहीं लिया है, क्योंकि कुछ पावरों के लिए आंसर ये नहीं दे पाया। ठीक है चलिए तीसरा, मान लीजिए अगर ए 0 हो गया, तो फॉर एग्जाम्पल 0 की पावर x। अब 0 का होल स्क्वायर करोगे, 0 का होल क्यूब करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा, 0 की पावर ½ करोगे तो 0 ही मिलेगा। पर एक ऐसा पावर है जहां पर आपको आंसर नहीं मिलेगी, 0 की पावर 0। अब यहां पर 0 की पावर 0 अनडिफाइंड है, इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा आप। ऐसा क्यों? अगर आपने पढ़ा हो ये a की पावर x अपॉन समझाऊं कैसे मैं आपको। हाँ जैसे मान लीजिए a की पावर x - y है, तो आप इसको कैसे लिखते हैं, इसको आप लिखेंगे a की पावर x अपॉन a की पावर y, करेक्ट है। अगर मान लीजिए 0 की पावर 0 बोला मैंने, तो कैन आई राइट 0 की पावर 0 - 0, कैन आई राइट, यस ऑब्वियसली, कैन आई स्प्लिट इन टू पार्ट, यस पॉसिबल, ओके। मान लीजिए तो 0 की पावर 0 अपॉन 0 की पावर 0, अच्छा 0/0 अगर है, कैन आई राइट 0 का स्क्वायर अपॉन 0 का स्क्वायर, वन ऑफ द पैटर्न। तो ये अगर ऊपर चला गया तो 2 की पावर ऐसा लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए यही अनडिफाइंड है तो ये कैसे डिफाइंड होगा फिर, समझ में। आप इसको 3 0 का क्यूब / 0 का क्यूब भी कर लो, आपको दिख भी जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि बेस 0 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 0 पावर जब रखोगे तो आपको जवाब नहीं मिलेगा, इससे अच्छा बेस 0 रखो ही मत। ठीक है तो बेस अब तक क्या चल रहा है, पॉजिटिव। एक और वैल्यू दिखाता हूँ मैं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट है वो, a=1 में क्या खराबी है, a=1 में क्या खराबी है। जैसे मान लीजिए आपने y=1 की पावर x रखा, भाई 1 का स्क्वायर करो,
वन की पावर 0 करो, वन का पावर -2 करो, तब पे आंसर बनेगा। तो जहां तक मुझे अभी लग रहा है एक्सपोनेंशियल के हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसमें जो भी रखेंगे आपको हमेशा रेंज 1 मिलेगा। दिक्कत नजर आ रही है क्या? तो अब तक मैंने क्या पढ़ा, डोमेन डोमेन इसका आर है और रेंज कितना हमेशा इसका 1 है। ठीक है, तो बेस 1 एक्सेप्ट कर रहा हूँ अभी के स्टेटस के साथ, अभी लॉग की मैंने नहीं बढ़ाया। ठीक है, अब आते हैं कि लॉग के बारे में क्या कहना है। चलिए तो मैं आता हूँ अगले पन्ने पे। तो सबसे पहले मैंने अब तक क्या बता दिया कि एक्सपोनेंशियल में इनपुट कैसा है, डोमेन कितना है, आर लिख लीजिएगा, ये डोमेन कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। रेंज कितना आ रहा है, अभी कंफ्यूजिंग है कि आर बोल मतलब वैसा पॉजिटिव बोलूं या सिर्फ 1 बोलूं, इट डिपेंड्स ऑन बेस क्या है। तो उसको समझने से पहले हम समझते हैं लॉग क्या है और क्या कनेक्शन है एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल जिसमें ए बेस कांस्टेंट है, ए फिक्स है ना, तो इसके अंदर कौन से टाइप के सवाल आते हैं, 2 की पावर x हो गया, e की पावर x हो गया, ½ की पावर x हो गया, ये सभी को हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। इसमें बेस पहले से क्या निर्धारित किया गया है, पॉजिटिव, और फिक्स होता है हमेशा। वेरिएबल कौन होता है, हमेशा पावर, और पावर पे कौन डिपेंड करेगा, आउटपुट। ठीक है, चलिए मान लीजिए आप थोड़ा सा अगर मैं 2 की पावर x को समझूं एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, तो आपको लॉग समझ में अच्छे से आएगा। तो जैसे आपने इसमें रखा 3, तो आपको कितना आंसर मिलेगा, 8 2 का क्यूब। आपने जैसे मान लो 2 रखा, कितना आपको मिल रहा है, 60। आपने रखा अगर 0, कितना आंसर मिल रहा है आपको, 1। ठीक, अब आते हैं लॉग पे। लॉग ऐसा बोलता है, जैसे 2 का क्यूब कितना आंसर आया, 8। तो लॉग ऐसा बोलता है कि भाई साहब 8 कब आंसर आएगा, जब बेस 2 होगा। इसको बोलते हैं बेस। ठीक है, जो बेस यहाँ पर है वही बेस यहाँ पर भी है। यहाँ पर सवाल पूछा है उल्टा कि बताओ ऐसा कितना पावर लगेगा बेस का जिससे 8 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, नहीं बोलोगे। चलिए जैसे 2 की पावर 4 16 होता है, होता है, तो अगर मैं बोलूं लॉग 16 बेस 2 कितना होगा, मतलब हिंदी अनुवाद करूं कितनी पावर लगेगी बेस 2 की जिससे 16 हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, 4। समझ में आ गया। ठीक है, अब यानी कि यहां पर अगर देखें तो 16 जो था यहां पर आउटपुट था। ठीक है, तो यहां पर क्या आ रहा है, इनपुट बेस यही बैठा हुआ है, और यहां पर जो इनपुट था वो यहां पर क्या रोल प्ले कर रहा है, आउटपुट का। ठीक है, तो कहना ही से कि अगर a की पावर x इक्वल टू y है तो लॉग y बेस a बराबर x होगा। जो इनपुट था वो आउटपुट चला गया और जो आउटपुट था वो इनपुट चला गया। कनेक्शन समझ में आ रहा है आपको, a की पावर x का लॉग का। ठीक है, मान लीजिए मेरे से कोई अगर पूछे, एक सवाल बताओ, मान ली मेरे से पूछे, सबसे घटिया पावर दे रहा हूं मैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया √4 √8 दिया है, और मुझे बताना है कि 32 कब आएगा। ऐसी पावर दी है मैंने, ऐसी मैंने पावर दी है, डायरेक्टली आप बताओ कि √8 का कितना पावर लगेगा कि 32 आ जाए। अब इसको करने का 2 तरीका, या तो आपको डायरेक्ट पावर पता हो कि सर √8 है तो ये होगा 2 की पावर 3/2, और 32 होता है 2 की पावर 5, और 2 की पावर अपना कितना है, ये कितना है, 2 की पावर, हाँ 3/2 है, 3x/2, और ये 5 है तो 10/3। अब 10/3 पावर सोचना √8 पर, आप सोच के देखो 2 की पावर 3/2 है ना, इस पे 10/3 लगा दो, देखो आ गया ना 2 की पावर 5 बचेगा, 32 हो गया। पर 10 की पावर 10/3 पावर सोचना इज वेरी टफ। अब समझते मेथड टू टिक टेक्निक क्या है। इसे मान लीजिए आपको, आप एकदम गुड़ गुड़ गोबर है, ठीक है, आपको नहीं आता लॉग कैसे निकालते, एकदम खच्चर दिमाग है आपका,
तो करना ही है। जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता कि लॉग इसको पढ़ते कैसे, लॉग 16 बेस 2, लॉग 8 बेस 2 ऐसे पढ़ते हैं इसको। तो लॉग 16 बेस 2 का आपको मान लीजिए नहीं पता, तो आपने काम किया इसको एक्स मान लिया और लॉग आपने हटाया तो ये क्या बन गया, 2 की पावर x इक्वल टू 16 बन गया। टेक्निक बता रहा हूँ लॉग कैसे हटाते हैं, ठीक है। तो जो आपका आउटपुट था वो इस स्टेप से कहाँ चला गया, इनपुट पे, और जो आपका इनपुट था वो कहाँ चला गया, आउटपुट पे। देखिए क्या वही चीज हो रही है, देखिए 16 आउटपुट में, 4 इनपुट में। तो जैसे मैं लॉग को यहाँ पे कन्वर्ट किया तो क्या ये यही सेम पैटर्न डिजाइन बन गया, सेम डिजाइन। मतलब मैं लॉग को हटाकर एक्सपोनेंशियल में जा सकता हूँ, मेरा जवाब 4 ही आएगा क्योंकि मुझे सर ने एक्सपोनेंशियल सिखा रखा है। 2 की पावर 4 16 होता है, समझ में आ गई बात। दैट मीन्स कि मैं अब कोई भी लॉग का सवाल, अब मुझे इसको करना हो तो मैंने इसको क्या माना, एक्स। लॉग हटेगा तो आउटपुट कहाँ जाएगा, एक्सपोनेंशियल के इनपुट पे, और इनपुट कहाँ जाएगा लॉग का, एक्सपोनेंशियल के आउटपुट पे, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, बेस सेम कर देंगे। तो 2 की पावर 3/2 होता है अपना 8 √8, और ये लिखा है 2 की पावर 5, तो 5 इक्वल टू कितना आ रहा है, 3x/2। तो कहना ही से एक्स कितना आ गया, 10/3, सेम आंसर आ रहा है। अब फाइनल बात करते हैं, यानी कि अगर a की पावर x इक्वल टू y है तो ये कन्वर्ट हो सकता है लॉग y बेस a इक्वल टू x में, ठीक है। यहाँ पर इनपुट कैसा था, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, r रखो। यहाँ पर इसका मतलब आउटपुट क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, r। मतलब लॉग का रेंज कितना आएगा, रेंज कितना आएगा, हमेशा r आएगा, सब देता है आंसर। क्यों, क्योंकि तो एक्सपोनेंशियल का डोमेन कितना है, आर है। रेट कर पा रहे हो चीज, रेट कर पा रहे हो आप, कुछ भी रखो पावर में एक्सपोनेंशियल के, तो लॉग इसका मतलब लॉग का आंसर भी आएगा, कुछ भी आएगा। अभी एक डाउट बचा है कि सर अभी रेंज में तो कोई क्लियर नहीं हुआ कि 1 ले या पॉजिटिव ले, उसका क्लियर करते हैं। अभी आपको इतना समझ आएगा कि एक्सपोनेंशियल को मैं लॉग में, लॉग को मैं एक्सपोनेंशियल में घुमा फिरा सकता हूँ, ठीक है। एक्सपोनेंशियल में जो इनपुट आउटपुट है तो लॉग में वो क्या हो जाएगा, उल्टा रिवर्स। जो इनपुट है वो आउटपुट बन जाएगा और जो आउटपुट है वो इनपुट बन जाता है। क्या स्ट्रक्चर समझ में आ गया, ठीक है। अब आते हैं, मान लीजिए कि मैं वाई इक्वल टू 1 की पावर x मानू एक्सपोनेंशियल में, मैंने बेस a 1 रखा है, तो लॉग के हिसाब से क्या दिख रहा है, बेस 1 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है वाई, यहाँ पे लिखा है एक्स। लॉग हटाओगे तो 1 की पावर x इक्वल टू y ये बन जाएगा, बराबर डिजाइन सेम है। मान लीजिए 1 का स्क्वायर हो गया 1, तो यानी कि यहाँ पर y कितना है, 1 है, और x कितना है, 2 है, आपको दिख रहा है, ठीक। मान लीजिए 1 का क्यूब कितना है, 1 है, तो कहना ही से log 1 base 1, y तो 1 ही है ना, y 1 है, तो कितना आंसर आ रहा है इसका, इनपुट 3 आ रहा है, मतलब इसका आउटपुट 3 आ रहा है। अब जरा लॉग को ध्यान से देखिए, मतलब आप इनपुट में 1 रख रहे हैं और आपको एक समय पर 2 3 4 5, अरे log 1 base 1 4 भी सकता है, क्योंकि 1 की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। यानी कि log फंक्शन नहीं बन पाएगा अगर base 1 होगा। इसका मतलब ये कि एक्सपोनेंशियल में हम 1 ले ही नहीं, अगर 1 लेते हैं तो तकलीफ किसको हो जाएगी, लॉग को, अगर हम उसको पलटेंगे एक्सपोनेंशियल को लॉग में, तो क्योंकि log 1 base 1 के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। मेन बात आपको एकदम समझ अच्छे से आ गई। तो फाइनली हमारा रेंज क्या बनेगा, हमेशा पॉजिटिव, अगर बेस पॉजिटिव हो और 1 ना हो तो। फाइनली हमने समझ में आ गया हमें लॉग का आउटपुट तो आर है, रेंज आर है, और इनपुट क्या है यानी डोमेन कितना है, हमेशा पॉजिटिव है ना, वाई हमेशा पॉजिटिव आएगा, रेंज हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि इसका एक्सपोनेंशियल रेंज कितना आएगा हमेशा, तो पता ही हमें एक्सपोनेंशियल हमेशा से पॉजिटिव देता है। तो
फाइनली बोल रहा हूँ डोमेन कितना एक्सपोनेंशियल का कुछ भी रखो सर पावर में, कोई दिक्कत नहीं। हाँ रेंज कितना है सर, बेस एक्सपोनेंशियल आंसर क्या देगा, पॉजिटिव देगा। और बेस कैसा होना चाहिए सर, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए, ये दोनों पे लागू होता है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और वन नहीं होना चाहिए। तो दिक्कत यहां तक, तो इसको आप राइट डाउन कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। ब्लॉक का डोमेन पॉजिटिव, ब्लॉक का डोमेन पॉजिटिव, इनपुट पॉजिटिव है, रेंज क्या है, ये दो चीजें आते हैं लॉग में, रेंज कैसा होना चाहिए पॉजिटिव और वन नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे, अब समझते हैं ग्राफ कैसे बनाते हैं लॉग का, ग्राफ ऑफ पहले समझते हैं एक्सपोनेंशियल का। तो यहाँ पे दो बंटवारे किए मैंने, पहला अगर बेस वन से बड़ा हो और अगला दूसरा ग्राफ अगर बेस 0 से 1 के बीच में। इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है 2 की पावर x, और इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है 1/2 की पावर x। ग्राफ बनाने में आपको दिक्कत नजर नहीं आएगी। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, एक्स एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी आएगी, जैसे अगर आप एक पेयर लिखते हैं तो एक्स फ्रंट पे जो होता है वो कहाँ लिखते हैं, एक्स एक्सिस पर शो होता है, और जो पीछे लिखा होता है वो कहाँ शो होता है, वाई एक्सिस पर। दैट मीन्स डोमेन कहाँ से आएगा, हमेशा एक्स एक्सिस पर आएगा, और रेंज हमेशा कहाँ शो करेंगे, रेंज हमेशा वाई एक्सिस में शो होगा, कोई भी फंक्शन ग्राफ होगा। पेयर रखोगे आपको करस्पॉन्डिंग आउटपुट कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस में ही मिलेगा, ठीक है। चलिए अब मान मान लीजिए बात करते हैं बेस अगर 1 से बड़ा है, 2 की पावर x है, तो अब इसमें मैं धीरे धीरे एक्स रख रहा हूँ, तो आपको खुद ही फील आएगा ग्राफ एक्चुअल में कहाँ तक जाता है। मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया x=-इंफिनिटी पर, फिर मैंने एक्स इसमें मैंने किया अपना -1, फिर एक्स मैंने किया 0, फिर मैंने एक्स किया है 1, फिर एक्स किया है मैंने 4, एक्स किया है मैंने 16, फिर एक्स किया है मैंने इन्फिनिटी। तो आपको समझ आएगा वैल्यू कहाँ जाएगी। तो अगर 2 की पावर -इंफिनिटी है, यही मतलब हुआ इसका, तो कहना चाहिए 1/2 की पावर इंफिनिटी लिखा हुआ है। अब 2 की पावर इंफिनिटी, 2 का पावर बढ़ाते जाओगे तो वैल्यू कहाँ जाएगी, इंफिनिटी जाएगी। 1/इंफिनिटी कितना होगा, जैसे 1/, जैसे मान लीजिए आपको कोई बोले 1/ इतना 0 है, तो वैल्यू ओवरऑल कितनी हो जाएगी, 0.1234 5 है, तो 10 की पावर -6 हुई, तो वैल्यू 1 से कम है या 1 से ज्यादा है, 1 से कम है, और 0 के बहुत पास में, आप तो डेसिमल में आ गया ना नंबर, 0.00001 डेसिमल के पास आ गया। यानी कि अगर मान लो इसको मैं और बढ़ा दूंगा तो और कम हो जाएगा, आप 0 के नजदीक जाते रहोगे। दैट मीन्स मुझे समझ में आया कि अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ओवरऑल वैल्यू घटती जाएगी, और वो कहाँ पहुंचेगी, 0+ पे। 0+ का मतलब होता है 0 से जस्ट बड़ा, तो यानी कि आपकी वैल्यू कहीं यहाँ पर होगी, इधर मतलब ये आपका y=0 लाइन है, x एक्सिस में लाइन है, तो ऐसे 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 होके आ रहा है, ऐसे टच नहीं करेगा बिल्कुल, एकदम किस किसके नजदीक होगा उस समय इंफिनिटी पर, एकदम ऐसे देखा, एकदम ऐसे क्लोज होगा, टच नहीं करेगा, मतलब इट विल बी वेरी क्लोज टू 0+। अच्छा इसमें रखा आपने 2 की पावर -1, मतलब -1 रखा, तो 1/2 हो गया, 2 की पावर 0 1 हो गया, 2 की पावर 1 2 2 की पावर 4 16। आप बस देखिए कि आउटपुट जब रख रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रही है, और 2 की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यानी कि वैल्यू इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट भी बढ़ रहा है, इनपुट बढ़ रहा है तो आउटपुट भी यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बेस 1 से कम देखें, एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल 1/2 की पावर x है। अच्छा यहाँ पर एक चीज आ जाए ना, 0 पे 1, 2 की पावर 0 हमेशा 1, तो 0.1 से तो ग्राफ पास होगा ही होगा। अब मान लीजिए 1/2 की पावर, अच्छा इसमें एक चीज और दिख, हमने यहाँ पर क्या चीज देखा है कि इंक्रीजिंग है, मतलब तो वैल्यू बढ़ेगी, इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, पर आपको ग्राफ से फील आ रहा है कि रेंज हमेशा अबव द एक्स एक्सिस है, दैट मीन्स हमेशा रेंज कैसा है, पॉजिटिव है। अगर लाइन टच हो जाती, सॉरी अगर लाइन टच जाती है यहाँ पर इस लाइन पर, तो इसका मतलब वाई, ये लाइन का नाम क्या है, y=0, तो अपना तो ग्राफ पे 0 आएगा नहीं, लाइन टच नहीं होगी, ठीक है। चीज समझ आ रही है आपको, यहाँ पर देखना, अगर मैंने जैसे अभी रखे अपलोड करूंगा मैं ट्रिक में, उसमें तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो
आप चैट पर मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे ये टॉपिक या जो ये जो भी आपने पढ़ाया है सवाल ये समझ नहीं आया, तो मैं अगले वाले लेक्चर में उसको कवर करते हुए आ ही रहा हूँ, उसमें आप बेफिक्र रहिए। ठीक है, हाँ तो होता ही है। अच्छा अब एक्स मान लीजिए माइनस इंफिनिटी है, तो 1/2 की पावर माइनस इंफिनिटी, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो 2 की पावर -1 × ऐसा लिखा हुआ माइनस इंफिनिटी, तो ये क्या बन गया, 2 की पावर इंफिनिटी बन गया ना, तो इसका मतलब ये कहाँ चला गया, इंफिनिटी। तो आप कहीं स्वर्ग से आ गए, स्वर्ग से आ गए आप। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपने फिर वही की -1 किया, फिर आपने 0 किया, फिर आपने 1 किया, फिर आपने 2 किया, आप धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, फिर आपकी वैल्यू चली जाएगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1/2 की पावर -1 तो 2 बन गया, 1/2 की पावर 0 ये तो 1 हो गया, 1/2 की पावर 1 ये तो 1/2 हो गया, 1/2 की पावर 2 ये तो 1/4 हो गया। तो वैल्यू बढ़ रही घट रही है, घट रही है सर, लास्ट में आएगा 1/2 की पावर इन्फिनिटी। तो कहने से 2 की पावर -इन्फिनिटी लिखा हुआ है, तो ऊपर गया ना -1 बन के, ये तो अभी आपने किया हुआ है, 0+ आता है। अच्छा यार डिक्रीज होते होते कहाँ तक जाएगा ये जाएगा ऐसे, टच नहीं करेगा ऐसे जाता है, तो यानी कि ये पॉइंट कौन सा है, 0.1। यानी कि आपका जो ग्राफ है अगर -1 से कम है तो ऑलवेज क्या आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। समझ में आ गया, चलो तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले वाले ग्राफ पे जिसका नाम है log(x)√(a)=y। कॉमन सेंस ये कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता वेरिएबल से, ये इसका मतलब क्या होता है इनपुट, इसका मतलब क्या होता है आउटपुट। ठीक है, तो क्या डोमेन क्या होता है, हमेशा डोमेन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बेस कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और आउटपुट कैसा होना चाहिए आर। ये 3 चीजें लॉग के बारे में हमेशा अंतिम सांस तक याद रखिएगा। ठीक है, तो लॉग में ग्राफ बनाते हैं, मान लीजिए बेस है 2, बेस 1 से बड़ा है, तो ये क्या लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो कैन आई राइट इट एज 2 की पावर y = x है। अच्छा अभी हम देख के आए हैं बेस अगर 1 से बड़ा होता है तो सर ग्राफ कैसा होता है, y अगर बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, मतलब तो y अगर बढ़ेगा तो x भी बढ़ेगा, ये मतलब हुआ इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा ना। ठीक है, इसका मतलब ये कहना इसे कि अगर एक्स बढ़ेगा तो वाई भी बढ़ेगा। अच्छा मतलब ये भी कैसा है, होगा इंक्रीजिंग होगा। एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, आप जैसे मान लीजिए आपने हाँ एक्स रखा आपने 1/4, फिर एक्स में बढ़ा रहा हूँ वैल्यू, अब ध्यान रखना इनपुट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल किस में आंसर देगा, पॉजिटिव में देगा, तो मैं कहूंगा मैं ये सब चीजें x1/4, फिर मान लीजिए x1/2 हो गया, फिर x हो गया अपना 1 हो गया, फिर x अपना हो गया 2, फिर x अपना हो गया 4, फिर x अपना हो गया 8, और फिर x अपना हो गया इन्फिनिटी ऐसा। तो अगर हम थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं तो x 1/4 है, तो बताओ कितनी पावर पे देता है 1/4, हाँ ये अपना -2 पे, तो y कितना आएगा, -2 आएगा, अरे करके देख लो 2 की पावर -2 कितना होता है, 1/4 होता है, ये कितना आएगा, हाफ कब देगा, तो ये हाफ कब देगा जब y कितना होगा, -1 -1 पे, सुन रहे, ये कितना 1 कब देगा, 0 पे, भाई 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, फिर 2 पर कितना देगा, 1, 2 की पावर 1 लगेगी ना, y कितना आएगा, 2 आएगा, 2 का पावर 2 4 होता है, y कितना आएगा, 3 आएगा, और y कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, सोच के देखो 2 की पावर y को इन्फिनिटी जवाब देना है, तो पावर को भी क्या होना पड़ेगा, इन्फिनिटी होना पड़ेगा, मतलब आउटपुट क्या होना पड़ेगा लॉग को, इन्फिनिटी। यानी कि अगर आपकी वैल्यू ध्यान से नोटिस करो, अगर आपकी वैल्यू 1 से कम थी, 1 से कम तो वैल्यू नेगेटिव में आ रही है। एक और दिखाता हूँ एग्जाम्पल, 1/ रख के देखो 16, 1/16 कब आएगा, जब y कितना होगा, -4, 2 की पावर -4 1/16 होता है। तो अगर जितना वैल्यू डेसिमल में रहेगा 0 से 1 में,
तो आपकी रीटनिंग नेगेटिव जा रही है। एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हुई है, तो 2 की पावर y माइनस इन्फिनिटी कब देगा? जब, बात समझ आ रही है, 2 की पावर y x माइनस इन्फिनिटी है ना, तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी अगर माइनस इन्फिनिटी डालोगे, माइनस इन्फिनिटी में डालोगे, सॉरी मेरी गलती, 0 प्लस पॉजिटिव, तो 0 प्लस कब देगा? 2 की पावर y 0 कब होता है? जब y क्या हो, कहाँ चला जाए, माइनस इन्फिनिटी। बताया था अभी, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी कहाँ होता है, यहाँ स्टार्ट होता है 0 प्लस। एक्स अगर 0 प्लस होगा तो वाई कहाँ होगा, माइनस इन्फिनिटी। मतलब आपकी गाड़ी कहीं यहाँ से स्टार्ट हो रही है 0 से आगे में, और 1 आते आते कहाँ तक पहुंचेगी, 1 आते आते पहुंचेगी 0 पे, और 1 से जैसे ही आगे निकलोगे तो आंसर आपका क्या लगेगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ गया? देखो वहां पे 0.1 था, 1.0 आया, इनपुट का आउटपुट, आउटपुट का इनपुट, कहा सार समझ में आ गया। अगर बेस 1 से बड़ा होगा तो चाहे एक्सपोनेंशियल हो या लॉग हो, ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है। और बेस अगर 1 से कम हो, जैसे अगर बेस 0 से 1 में हो, तो इसका ग्राफ आपका घटेगा, ऐसे एसलर का ग्राफ, ठीक है। एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे ए मान ले लिया मैंने हाफ, तो वाई इक्वल टू लॉग हाफ एक्स बेस हाफ लिखा है, तो कहना है इसे एक्स इक्वल टू वाई की पावर हाफ लिखा है। अब इसमें अगर आपने ये, अच्छा एक कॉमन सेंस क्या बोलता है, 1 पे तो 0 ही होगा भाई, एक्स 1 रखोगे तो 1 कब देगा, जो वाई 0 हो जाएगा। अगर एक्स 1 होगा तो वाई, हाँ मैं उल्टा लिख दिया मैंने, हाफ की पावर वाई तो 0, हाफ की पावर 0 1, बैठ गया सीधे। अच्छा इसमें अगर आप एक्स रखोगे 1/4, तो हाफ की पावर कितना लगेगा, 1/4 2 लगेगा, वाई इज 2 लिखा है। एक्स की पावर 1/8 करोगे तो वाई कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। 1/16 कब आएगा, हाफ की पावर कितनी होती है 1/16 के लिए, वाई 4 होती है, तो वाई 4 हो रहा है। तो अगर, अच्छा एक्स इक्वल टू 1 पे कितना आएगा, वाई 0 आएगा। अब एक्स इक्वल टू 2 पर कितना आएगा, तो एक बात बताओ, एक्स अगर 2 है तो हाफ की पावर वाई कितना लगेगा कि 2 आ जाए, तो 2 की पावर माइनस वाई इक्वल टू 2 लिखा है, तो वाई कितना आ रहा है, -1। देखो अपने आंखों से देखो, नेगेटिव चला गया। मतलब जैसे ही आप 1 के आगे जाओगे, वैल्यू कहाँ चली जाएगी, नीचे बिलो द एक्स एक्सिस पाताल में जाएगी, तो ग्राफ हमेशा डिक्रीजिंग आएगा। तो बात समझ में आ गई, अगर बेस 1 से बड़ा है, चाहे लॉग का ग्राफ हो चाहे एक्सपोनेंशियल का होगा, ग्राफ बढ़ता हुआ आएगा, 0 से इन्फिनिटी आएगा। और अगर लॉग का ग्राफ है तो पूरा आर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पूरा कवर करेगा, ठीक है। बट डिक्रीजिंग कब होगा, जब बेस 1 से कम होगा, मतलब 0 से बड़ा, और इंक्रीजिंग कब होगा, जब बेस 1 से बड़ा हो। तो 1 घंटे में आपको मैंने लॉग एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है बड़े आराम से समझाया मैंने, ठीक है। अब हमारे पास बचा है आधा घंटा और, तो अब हम करेंगे इसके ऊपर सवाल डोमेन के। तो डोमेन मतलब ये कि ऐसा वैल्यू रखना है जिससे लॉग को तकलीफ ना हो, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किए हैं अच्छे बुक में से, वो क्वेश्चन हम करेंगे लॉग के ऊपर, तो आपको पूरा सब प्रॉब्लम आएगा अच्छे से। चलिए तो सबसे पहले सवाल करते हैं, लिखिए क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स, और फंक्शन है अपना 1/log base 10 1 - x + √(x+2), ठीक है। इसका डोमेन निकालना है। डोमेन का मतलब क्या हुआ, ऐसी वैल्यू हमें हटानी है जिससे आंसर, जिस पे आंसर नहीं आ रहा हो, समझ गए। डोमेन का मतलब क्या होता है, ऐसा वैल्यू हमें हटाना है जिस पर हमें इमेज नहीं मिल रहा हो, ठीक है डोमेन। अच्छा मान लीजिए मैं तो कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपको ये सवाल समझ में आया, 3 टाइप के सवाल आते हैं, रूट एफ एक्स हो, 1/√(f(x) हो, और 1/fx हो। अब एफ एक्स क्यों हो सकता है, साइन हो, कॉस हो, पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक हो, कुछ भी हो सकता है,
एफ एक्स, पर तीनों का डिजाइन दिख रहा है। जैसे मान लीजिए रूट एक्स है, एक सवाल 1/x है, एक सवाल 1/√x है, बताओ डोमेन क्या आएगा। सोचते कैसे वो सिखा रहा हूँ। हमें अगर रूट के अंदर कभी भी कुछ दिखे तो हमें क्या उम्मीद होती है कि भाई साहब वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, जो भी एफ एक्स हो वो पॉजिटिव या जीरो आना चाहिए। तो ये कंडीशन होती है अगर रूट एफ एक्स लिखा हो। अगर मैं इसकी बात करूं तो पहली बात तो नीचे लिखा है तो नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ये भी खतरा। और रूट के अंदर हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव और जीरो होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नीचे लिखा हुआ है तो दोनों बातें एक बार में हो जाएंगी, बस एफ एक्स को पॉजिटिव कर दो, एफ एक्स को पॉजिटिव कर दीजिए, आपका इनपुट मिल जाएगा आप। ठीक है, एफ एक्स पॉजिटिव कर दीजिए, आपको इनपुट, आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी कि नीचे है तो जीरो नहीं होना चाहिए, वो आपने लिख दिया है, और रूट के अंदर है तो पॉजिटिव होना चाहिए। और इसके अगर बात करें तो इसमें एफ एक्स बस क्या ध्यान रखूं, बस जीरो ना, ये तीन बातें ध्यान रखना। तो इसका सवाल करते हैं, मान लीजिए ये सवाल है, इसका डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले किसको आपने देखा, अच्छा डोमेन का मतलब आपको फाइनल निकालना है कि इनपुट क्या होगा। डोमेन यही होता है कैसा मैं क्या रखूं एक्स के अंदर जिससे तकलीफ ना हो एफ एक्स को। आंसर आए तो मैं बाहर से अंदर तरफ जाऊंगा। ठीक है, समझाता हूँ कैसे। जैसे मान लिए रूट एक्स है, इसका डोमेन क्या आएगा। तो भाई साहब रूट के, रूट को तकलीफ क्या होती है, रूट को तकलीफ होती है कि जो भी अंदर लिखा हो वो कैसा होना चाहिए, हाथी घोड़ा जो भी अंदर लिखा रूट का कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या जीरो होना चाहिए। तो ये हमें चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि अच्छा इसका मतलब डोमेन कितना है, क्या हमें रखना चाहिए इनपुट में जीरो से बड़ा रखना चाहिए। इसका मतलब होता है हिंदी अनुवाद, मान लीजिए हमने ये सब चीज नहीं देखी और हमने इनसे पूछा चलो बताओ -1 पे कितना आंसर है, तो -1 पे तो आंसर दे ही नहीं पाएगा। मतलब हमने इज्जत दी नहीं, किसको इज्जत नहीं दी हमने, रूट को इज्जत नहीं दी है। रूट हमें तकलीफ करेगा, रूट की बात मान लीजिए, क्या बोलता है रूट कि भाई साहब मेरे अंदर जो भी इंसान हो कहना होना चाहिए पॉजिटिव, तभी मैं जवाब दूंगा, वरना भाई साहब भूल जाना आंसर नहीं मिलेगा। तो अगर यही तो काम है डोमेन, डोमेन ने किया गया, इसने क्या बोला देखो भाई साहब पॉजिटिव रखना तो आपको आंसर मिलेगा, मतलब डोमेन मिल गया। तो डोमेन कितना हुआ, बोल रहे। चलो इस पर बात करते हैं, इसकी दिक्कत क्या है कि नीचे जो भी लिखा हो वो क्या नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ रखूँगा। तो इसका डोमेन कितना हुआ, r-0, सब कुछ रखो जीरो मत रखना। इस सवाल के डोमेन कितना हुआ, एक तो रूट लिखा हुआ है, सबसे पहली चीज देखनी है कि रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव लगे हाथ। दूसरी चीज ये भी देखनी है कि एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, तो यहां से कितना आंसर आ रहा है, जीरो को इंक्लूड करते हुए इन्फिनिटी, और ये क्या बोला जीरो मत लेना। तो कॉमन जवाब क्या हुआ कि जीरो ओपन से लेकर इंफिनिटी आए। ठीक है, कॉमन क्यों बोला मैंने, मान लीजिए मैं खाली रूट को देखूं मैं कि पॉजिटिव चलेगा, जीरो रख दूं मैं, जीरो पे आंसर नहीं दे पाया ना, तो जीरो कॉमन हुआ ना दोनों का, तो मैं दोनों कॉमन, क्योंकि दोनों को चीज ध्यान रखते हुए हमें आंसर दे इनपुट डालना है। इसी को तो बोलते हैं डोमेन, डोमेन इससे तो स्पेशल है। ठीक है, तो कभी भी इस टाइप का सवाल तो देखना। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस सवाल पे, कैसे रखूँ इसको मैं, अरे रख करना पड़ेगा, कैसे रख करते हैं इसको। ठीक है चलिए अगले बंदे में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो 1/log 3 - x/10 प्लस √ क्या लिखा था, x+2, और यहाँ पर 1 - x था। ठीक है चलिए, तो मैं सब हर चीजों ध्यान रखूंगा, हर चीज ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि x जो है वो एक समय पर इसके पास भी जा रहा है और इसके पास भी जा रहा है। तो सबसे पहले log की बात करते हैं, हम अंदर जाएंगे तो log को दिक्कत क्या है कि भाई साहब मेरे अंदर जो भी इंसान हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये log की बात माननी पड़ेगी। दूसरी बात हमें और चीज क्या ध्यान देनी है कि जो भी इंसान नीचे लिखा हुआ है, जो भी इंसान जैसा भी इंसान है, मैं हो तुम कोई भी, नीचे लिखा हुआ है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो वो वाले एक्स हटाने हटाने हमें। और तीसरी बात हमें ये भी देखना है कि रूट के अंदर ऊपर ऊपर रूट लिखा है तो जीरो इंक्लूड करना है, नीचे रूट लिखा है तो जीरो इंक्लूड नहीं करना है।
पॉजिटिव आयन, ठीक है, दोनों में धागे भर का फर्क है। रूट एफ एक्स लिखा है तो इसके अंदर एफ एक्स में जीरो और पॉजिटिव संभावनाएं होती हैं, पर वही रूट अगर नीचे लिखा है तो बस उसमें क्या देखना होता है कि जीरो ना हो, पॉजिटिव तो होना चाहिए, डायरेक्टली एक चीज कम हो जाता है, ठीक है। तो कैन आई से एक्स प्लस टू शुड बी मोर देन इक्वल टू जीरो, तो देखते हैं ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक्स की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा लॉग अगर 0 के बराबर नहीं तो लॉग हटा दो, तो इसका मतलब जो भी अंतर लिखा हुआ है वो क्या नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, क्योंकि लॉग 1 भी तो 0 होता है, यानी कि एक्स क्या नहीं होना चाहिए, एक्स अपना 0 नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा। और अब तक क्या आ चुका है, अब तक का कॉमन कितना आ चुका है, इन्होंने ये कह रहे हैं -2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहे -2 से बड़ा होना चाहिए, इंक्लूड करते हुए ये कह रहे हैं 0 मत रखना बस, बाकी सब रख लो। अब तक कॉमन कितना आया, -2 से लेकर इन्फिनिटी आ रहा है एक्सक्लूडिंग 0। अच्छा अब इनकी बात भी तो माननी पड़ेगी, इनकी बात ये क्या बोल रहे हैं कि 1 इज मोर देन एक्स, नहीं एक्स की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए। अच्छा तो ये अलग सिरदर्द कि एक्स की वैल्यू 1 से कम होनी चाहिए, तो कॉमन कौन से लगा है जो तीनों में आ रहा है, -2 से लेकर 1। अच्छा 1 इसको नहीं चाहिए, 1 इसमें भले ही आ रहा हो, 1 इसमें भले ही आ रहा हो, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि 1 इसको नहीं चाहिए ना, मान लीजिए आपने 1 रख दिया, कोई दिक्कत है क्या, रूट 3 है, इसको दिक्कत हो जाएगी ना, लॉक को 0 गया ना, लॉक 0 कभी होता है, लॉक के अंदर कभी 0 होता है, नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी आंसर 0 नहीं देता है, लिंक समझ में आ गई। अच्छा -2 को इंक्लूड करेंगे नहीं करें, देखिए -2 1 से कम होता है, इसमें भी आ रहा है -2, -2 इसको भी चाहिए, -2 इसमें भी आ रहा है, तो -2 को हम इंक्लूड करेंगे। तो ये मेरा हो गया डोमेन, मतलब आप ये सब रखेंगे तो आपको ये जवाब देगा, इसके अलावा कुछ भी रखेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे तो भाई आपको आंसर रेंज मिल ही नहीं पाएगा, बस यही डोमेन का खेल है, समझ में आ गई बात। चलिए तो मैं कुछ सवाल करता हूँ, अगला सवाल आप पॉज करिए, खुद ट्राई करिएगा। अगला सवाल है 2 - x / x + 7, इसका निकालना है डोमेन, इसका डोमेन निकालना, ठीक है, तो आपने पॉज करके कर लिया होगा, ठीक है। लॉग की बस सिंपल सी, भाई बाहर से अंदर जाना है, ठीक है, हमें तो फाइनली एक्स क्या होगा वो निकालना, तो हम प्रथम डोमेन में बाहर से अंदर जाएंगे, मतलब दिक्कत इसको कहाँ कहाँ हो रही है वो हटाएंगे, इसको दिक्कत कहाँ होगा रही वो हटाएंगे, और फिर आएंगे कि अच्छा एक्स यहाँ से यहाँ हो, ठीक है। तो क्या ट्रिक है, बाहर से अंदर जाना है, ये है तरीका डोमेन निकालने। तो सबसे पहले मुलाकात किससे हुई, लॉग से, तो लॉग की शर्तें क्या है कि भाई साहब मेरे अंदर तभी आइएगा जब आप पॉजिटिव हो, नेगेटिव पर्सन मुझे अलाउ नहीं, ठीक है, अपने पॉजिटिव बन जाते हैं, तो 2 - x / x को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। अब आपने ये सवाल अपने 10th में किया होगा, देखिए इसको मैं पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा एक तो पता होगा आपको कि अगर दो इंसान है तो उसमें तीन बातें हो सकती हैं, अच्छा यही पता होगा आपको कि ये इनइक्वालिटी मोर देन कब चेंज होता है, जैसे अगर आपने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो चेंज हो जाएगा, अगर आपने इसको डिवाइड कर दिया किसी माइनस नंबर से तो भी चेंज हो जाएगा, अगर आपने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो भी ये चेंज हो जाएगा, तो तीन प्रकार में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 is more than 2 है, इसको आप अगर -6 से डिवाइड करोगे तो 3 by -6 और 2 by -6, तो -1/3 और ये -half और ये -1/3, तो इसमें कौन बड़ा है, फिर इसमें -1/3 बड़ा होगा, -2 छोटा होगा, आप पीछे चले गए ना, -1/3 यहाँ जाएगा और -half थोड़ा सा लेट आएगा इस तरफ, तो बड़ा कौन हो गया, -1/3 हो गया। कहानी बड़ा छोटे का नहीं, कहानी बात यह है ये घुमा, ये इंटरचेंज हो गया जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया माइनस नंबर से। अच्छा अगर मैं 3 को more than 2 बोलूँ, ये लिख देना आप, ये लिख लेना काम की चीज है, इनइक्वालिटी अगर ये गिवन है, अगर ये गिवन है तो इनइक्वालिटी कब कब चेंज होता है, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, माइनस से डिवाइड करने पर और रेसिप्रोकल करने पर, हाँ
ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, जैसा आप इक्वल में करते हैं, इक्वलिटी में करते हैं, वैसे ही करना, बेफिक्र हो गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा यहाँ पर क्या है, 3 मोर देन अगर 2 है, अगर हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो बताओ कौन बड़ा है, -2 बड़ा है ना, -3 से तो घुमा। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो 1/2 बड़ा है, 1/3 बड़ा है, 1/2 बड़ा है सर, घूम गया अभी भी, तो घूमना फिरना समझ आ गया, आप मत घूमना फिरने के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया कि मैं समझ गया, अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इंटरचेंज हो जाएगा, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो ये x-2/x+7 ये हो गया <0। ठीक है, अच्छा लेस देन अगर 0 है तो इसमें दो केस हो सकती है, मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, अगर ट्रिक नहीं बताया तो, केस अगर केस से करें तो केस 1 ये है, दोनों को अगर मैं पॉजिटिव कर दूंगा तो रेशियो नेगेटिव नहीं आएगा, या दोनों नेगेटिव कर दो तो भी रेशियो नेगेटिव नहीं आएगा, मतलब किसी एक को पॉजिटिव करना पड़ेगा और साथ ही साथ अगले वाले को नेगेटिव करना पड़ेगा, ये वाइस वर्स। तो मैंने यहाँ पर x-2 को पॉजिटिव कर दिया और उसी समय x+7 को नेगेटिव कर दिया, तो देखिए पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव रेशियो नेगेटिव आएगा। कहानी का सार ये है कि अच्छा इसका मतलब एक्स वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए और -7 से छोटी होनी चाहिए, तो कॉमन इलाका कितना आया, 2 से बड़ा और -7 से छोटा, कुछ कॉमन आया इसमें से? अरे बात समझ आ रही है, x<2> होना चाहिए, x-7 होना चाहिए, तो दोनों का अगर +- होंगे तो ही नेगेटिव होगा, तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा। अगला किस्सा कि x-2 नेगेटिव हो जाए और उसी समय x+7 क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए और -7 से बड़ी होनी चाहिए, तो कॉमन कौन सा इलाका हुआ, -7 से लेकर 2 होना चाहिए, यहाँ से आंसर नहीं आया ना, क्योंकि तो ये क्या बोल रहा है, ये 2 से बड़ा बोल रहा है, ये -7 से कम बोल रहा है, तो एक समय पर पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू आपको एक्स की नहीं मिलेगी जिसमें ये <2> भी हो जाए और उस समय वो -7 से छोटा भी हो जाए, तो संभव नहीं है ना, पर इसमें संभव होता है कि <2> और -7 से बड़ा, तो कॉमन कौन सा इलाका आया, -7 से 2, मतलब -7 से 2 में अब इसमें कुछ भी रखेंगे तो हमेशा नेगेटिव होगा, आंसर क्लियर हो गया, -7 से 2 आ रहा है, केस बना के गया, अब गया केस गया वार्ड में, अब सुनते हैं शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको कैसे हटाएं, इसको हटाने के लिए क्या करें, इसमें हम हाँ इसमें थोड़ा सा रबर यूज कर लेते हैं। अब देखिए मेथड नंबर 2 जो थोड़ा सा आसान है, फिर मेथड नंबर 3 बताऊंगा विदाउट पेन। ठीक है, मेथड 2 में अगर ध्यान से देखें तो क्या हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेथड 2 में इनके रूट्स जो हैं वो मैं नंबर लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, तो एक रूट 2 है और एक रूट -7 है ऐसा, तो नंबर मैंने सोचा 2 से बड़ा, कोई भी नंबर सोचो, अच्छा 2 और -7 आंसर में आएंगे क्या, नहीं आएंगे, क्योंकि उस पर 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, वो तो चाहिए नहीं, और -7 तो वैसे भी रखना नहीं है, वो नीचे 0 हो जाएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा, तो 2 से ये नंबर मैंने बड़ा सोचा, कोई भी सोच लो आप, तो आपने सोचा 3, तो 3-2 पॉजिटिव, 3+7 पॉजिटिव, कहीं का रेशियो नेगेटिव आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, तो अगर 3 के लिए संभव नहीं है तो 2 से इंफिनिटी के लिए संभव नहीं है। अच्छा अब कोई भी नंबर सोचो आप जो 2 और -7 के बीच में आता है, 0, तो 0-2 नेगेटिव है और 0+7 पॉजिटिव है, तो इनका रेशियो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, मतलब पूरा का पूरा सेट -7 से 2 अपना आंसर होगा। अब -7 से कम सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल -8 रख के देखो आप, तो -8-10, -10 आ रहा है और ये -1 है, तो रेशियो पॉजिटिव की नेगेटिव है, पॉजिटिव है ना, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए था, नेगेटिव चाहिए था, तो ना नहीं आएगा, तो मेरा आंसर कितना हुआ ट्रिक के हिसाब से, -7 से 2। तो क्या करना है, ट्रिक क्या है, नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दीजिए पॉइंट को और सेट बनाकर नंबर सोच के कर दीजिए। अब आते हैं मेथड 3 क्या है, मेथड 3 x-2/x+7 को मुझे नेगेटिव करना है, मेथड ये है कि
कि अगर दो लीनियर पेयर हो, अब मान लीजिए ये यही सवाल मल्टीप्लाई में होता और आपने यही काम किया होता और आप 3 रखते तो पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव, पॉजिटिव आता नेगेटिव चाहिए रॉन्ग आता, आप नंबर सोचते वापस से 0 तो नेगेटिव और इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आता, और नंबर सोचते -7 से कम -8 तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव जाता, तो नहीं लेते। तब भी आंसर सेम है कि अलग अलग आया? सेम ही आया, बस दोनों में हल्का सा फर्क क्या है, अगर इस केस में इक्वल टू 0 हो गया तो मैं -7 या 2 को ले सकता हूँ, पर इसमें अगर इक्वल टू 0 हो गया या 0 नहीं हुआ तो 2 लेंगे या नहीं लेंगे ये तो क्लियर हो जाएगा, पर कोई भी केस में -7 लेना तो घातक है। क्यों? क्योंकि वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो क्या इक्वल टू 0, क्या मोर देन, क्या लेस देन 0, तो नीचे लिखा हुआ है तो एक कंफर्म आंसर है कि -7 नहीं आएगा, इतना ही फर्क दोनों में होता है, बाकी पैटर्न डिजाइन कॉन्सेप्ट सेम है। ठीक है, अगर मैं ऐसा इसको पढ़ने में देखूं तो इसको बोल दिया रूट, तो √2 है और एक रूट कितना है -7 है। अगर इसको ध्यान से देखें तो x-2 x+7 नेगेटिव, इसका डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव होगा, इक्वालिटी है ना, ये क्या लिखा हुआ है इक्वालिटी लिखा हुआ है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा पॉजिटिव होगा, 2 रूट आ रहे हैं 2 और -7, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, अपवर्ड फेसिंग बनेगा, यहाँ पर -7 पे 0 दिया है 2 पे दिया है। अब इसने क्या पूछा है कि बताओ ऐसी वैल्यू बताओ एक्स की जिसको रखने पर दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आए, मतलब एक क्वाड्रेटिक का आंसर नेगेटिव आए। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आप वैल्यूज -7 से 2 के अंदर कोई सिलेक्ट करेंगे उसी करिस्पॉन्डिंग में आंसर नेगेटिव आ रहा है। -7 से 2 में ग्राफ चला गया बिलो द एक्स एक्सिस, तो कहना इसे -7 से 2 में आंसर नेगेटिव आ रहा था, और देखिए अपना वही एक्स का आंसर है। मैं इसको कैसे डिजाइन करता हूँ, मैंने डिजाइन किया है कि अगर कभी दो पेयर नेगेटिव हो रेशियो में या मल्टीप्लाई में तो डायरेक्टली क्या आंसर होता है, छोटे रूट से लेकर बड़े रूट तक आपका आंसर आएगा। अब रूट कैसा, जो क्वालिटी का रूट है, छोटा सा रूट, इसका रूट कितना आएगा 2, इसका कितना है -7, तो छोटा कौन हुआ -7, बड़ा कौन हुआ 2, ट्रिक लगा दो -7 से 2 अपना आंसर, इसमें भी वही आंसर आएगा, इसमें इक्वल टू था तो -7 से 2 अपना आंसर, अगर इक्वल टू 0 होता तो 2 को इंक्लूड अपने आंसर में कर लेते। ठीक है, तो मेरा फाइनली डोमेन आ चुका है -7 से लेकर 2, परंतु मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता कि x-2 और x+7 को मल्टीप्लाई दिखाना होता पॉजिटिव, तो वैसे तो रूट कभी आएंगे नहीं, आपने वही पैटर्न अप्लाई किया -7 किया 2 किया। अब कॉमन सेंस ये कहता है कि भाई साहब ये नेगेटिव कब हुआ इधर इधर, और मतलब पॉजिटिव कहाँ हुआ, यहाँ हुआ है, और नेगेटिव कहाँ हुआ है, नेगेटिव कहाँ, यहाँ हुआ है, तो जब अगर मुझे पॉजिटिव चाहिए तो कौन सा वैल्यू जगाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, नंबर के देख लो आप, मतलब आंसर कितना है -∞ से, कहना इसे छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से लेकर इन्फिनिटी। अब रूट इंक्लूड करना है कि नहीं करना वो डिपेंड करेगा कि इक्वल टू है या नहीं, पर इस वाले केस में तो कभी भी नीचे वाला रूट तो आएगा नहीं, चाहे इक्वल टू 0 हो या लेस देन 0 हो या मोर देन 0, ये तो कॉमन सेंस यही कहते। तो सिंपल सी बात ये हमने सीखी कि अगर x-a × x-b दो लीनियर पेयर अगर मोर देन 0 है तो, और ए बड़ा है बी से, तो आंसर कितना आएगा -∞ से लेकर बी तक यूनियन ए से लेकर इन्फिनिटी छोटे रूट तक और फिर बड़े रूट से इन्फिनिटी, रूट आएगा नहीं आएगा डिपेंड ऑन इक्वल, और हमने ये दोनों पे लागू होता है, ये दोनों पे लागू होता है अगर ये डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में। अगर मान ली दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव आता है तो नेगेटिव कब आएगा, छोटे रूट से लेकर बड़ा रूट होगा, सब एक्स की वैल्यू ए से बी में अगर रखोगे तो यहाँ पर ये बड़ा है ना, हाँ बी से ए में रखोगे छोटे रूट से बड़ा रूट तो आपका मल्टीप्लाई क्या आएगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया, अब इस पे क्वेश्चन जो है हम इसको कल करेंगे इसके ऊपर।
ठीक है, आज हमने लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल क्या होता है वो समझ सब समझ लिया। ठीक है, तो मिलते हैं, बाय।